हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज़ प्रीति फ्रॉम हार्टोन स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार. तो आज हम बात करते हैं कि जब हमें एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, या फिर कोई क्लिप आर्ट ऐड करना है, या फिर जब हमें किसी भी डेटा के अंदर कोई शेप इंसर्ट करनी है, तो वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे. तो उससे पहले हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले जाते हैं स्टार्ट बटन पर, ऑल प्रोग्राम्स पर. ऑल प्रोग्राम्स में आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से. इस पे आप क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे. ये हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया. अब मैं इसको मैक्सिमाइज करती हूँ, ऐसे विंडो मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करके. अब जब आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, या कोई भी शेप इंसर्ट करनी होती है, तो आप सबसे पहले जाओगे इंसर्ट टैब पे. तो हमने क्लिक किया इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब के अंदर आप जाओगे पिक्चर पे. पिक्चर पे क्लिक किया मैंने, तो आपके पास ये पिक्चर बॉक्स ओपन हो गया. अब आपको कोई भी पिक्चर चूज़ करनी है, जो भी आपको इंसर्ट करनी है. तो मैंने यहाँ से पिक्चर्स पे क्लिक किया, सैम्पल पिक्चर्स. यहाँ से वो पिक्चर सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए. मुझे ये पिक्चर चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया, देन इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, तो आपके पास वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी. तो ये पिक्चर अब यहाँ पे इंसर्ट हो तो चुकी है, लेकिन इस पिक्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा है. मैं चाहती हूँ कि पिक्चर का साइज़ थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पिक्चर के आपको कॉर्नर पॉइंट पे कुछ डॉट्स दिख रही होंगी, दिख रही हैं यहाँ से. इन कॉर्नर पॉइंट के ऊपर आप जैसे ही कर्सर को लेके जाओगे, तो आपको ये दो एरोज़ मिलेंगी. इन दोनों एरोज़ को जब आप अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, तो साइज़ डिक्रीज होता जाएगा कुछ इस तरीके से. अगर आप इसको बाहर की तरफ ड्रैग करते जाओगे, तो साइज़ इंक्रीज होता जाएगा. तो अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि अब मैं इस तरीके से इसका पिक्चर का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज तो कर रही हूँ, लेकिन ऐसे में इसके पिक्सल फटते हैं. तो अब कंडीशन हमारी ये आती है कि मैं पिक्चर का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज तो कर पाऊँ, लेकिन साथ ही साथ उसके पिक्सल भी ना फटे, तो हम क्या करें. तो आप वैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज करें जैसे आप करते हैं, यानी डॉट के ऊपर कर्सर रखा मैंने, दो एरोज आ गई हैं, कंट्रोल बटन प्रेस रखो, देन आप इसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, तो इसकी हाइट और विड्थ भी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेंगी. और जब आप इसको बाहर की तरफ ड्रैग करोगे, तो कुछ इस तरीके से इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज होगी, साथ ही में इसके पिक्सल भी नहीं फटेंगे. कर सकते हो यहाँ तक. कंडीशन ये देनी है कि पिक्चर भी इंक्रीज और डिक्रीज भी हो गई है विदाउट अफेक्टिंग ऑन इट्स पिक्सल. लेकिन बात ये करनी है कि इस पिक्चर को थोड़ा सा डायगनल वे में रोटेट करना है, तो वो हम कैसे करें. तो जैसे ही आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करते हो, उस पिक्चर के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की डॉट दिखती है. इसके ऊपर आप जैसे ही कर्सर को लेके जाओगे, तो एक रोटेट का सिंबल बन के आता है. जैसे ही आप इसको रोटेट करना चाहते हो, उसी एंगल में आप कर्सर को ड्रैग करो, तो आपकी पिक्चर भी उसी एंगल में क्या होती जाएगी, रोटेट होती जाएगी कुछ इस तरीके से. फिर से इसको नॉर्मल किया मैंने कुछ इस तरीके से. अब आपके पास ये पिक्चर है, इंक्रीज डिक्रीज करना आ गया पिक्चर को, डायगनल वे में रोटेट भी करना आ गया. मैं चाहती हूँ इस पिक्सल, इस ये जो पिक्चर है आपकी, इस पिक्चर की ब्राइटनेस करनी है इंक्रीज या डिक्रीज, तो वो कैसे करेंगे. तो इस पिक्चर को सिलेक्ट करो. पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद में आप जाओगे फॉर्मेट टैब पे. फॉर्मेट टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस पे क्लिक किया हमने. इसके बाद अब यहाँ पे 0% पे क्लिक है. बाय डिफ़ॉल्ट हमारा 0% पे क्लिक होता है. अगर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, तो आप +10 +20 यानी ऊपर की तरफ जैसे आप कर्सर को ड्रैग करते जाओगे, ब्राइटनेस इंक्रीज होती जाएगी कुछ इस तरीके से. मैं चाहती हूँ कि ब्राइटनेस तो ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ी कम करनी है. तो आप ब्राइटनेस पे जाओ, यहाँ से -10 -20 -30 -40. तो आप जैसे जैसे माइनस पे यानी नीचे की तरह ड्रैग करते जाओगे, तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी. अब कंडीशन ये देनी है कि अगर मैं ज़्यादा ही प्लस कर रही हूँ, यानी बढ़ा रही हूँ घटा रही हूँ कुछ इस तरीके से, तो या तो ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ ही रही है, या फिर ज़्यादा घट ही रही है. मैं चाहती हूँ कि पिक्चर की ब्राइटनेस नॉर्मल रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राइटनेस पे ही जाएंगे. यहाँ से आप क्लिक करोगे 0% यानी नॉर्मल पे, तो आपकी पिक्चर क्या रहेगी, नॉर्मल ब्राइटनेस के साथ एक्टिव रहेगी. अब बात करते हैं कि मुझे इस पिक्चर का कंट्रास्ट बढ़ाना है, तो कंट्रास्ट इंक्रीज डिक्रीज के लिए क्या करेंगे. कंट्रास्ट पे गए, 0% पे क्लिक है, ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाओगे, कंट्रास्ट ऐड होता जाएगा कुछ इस तरीके से.
इसके जो फीचर्स हैं वो थोड़े शार्पन होते जाएंगे कुछ इस तरीके से, नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये थोड़े से इसका कंट्रास्ट कम होता जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं चाहती हूँ ये भी नॉर्मल रहे हमारा, ना ही ज़्यादा इंक्रीज और ना ही ज़्यादा डिक्रीज, तो आप 0% नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर सकते कर लोगे। कंडीशन ये देनी है कि अब आपके पास ये पिक्चर तो है लेकिन इस पिक्चर के बैकग्राउंड में आपको कोई कलर भी अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे? रीकलर ऑप्शन पे गए, यहाँ से जाके आप वो कलर चूज़ करो जो भी आपको बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई करना है, देन आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं इजीली। ग्रीन चाहिए, पर्पल चाहिए, ब्लू चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कोई भी कलर चाहिए आप यहाँ से क्लिक करो, वही कलर उसके ऊपर अप्लाई होता जाएगा। कंडीशन ये देने कोई ऐसा कलर चाहिए जो मुझे इसमें मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूँ, तो आप जाओगे मोर वेरिएशंस पे, यहाँ से जाके वो कलर आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए, जो भी कलर चाहिए उसके ऊपर क्लिक करो, वही कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लिक किया मैंने तो वो कलर वहाँ पे क्या हो गया, अप्लाई हो गया। मैं चाहती हूँ फिर से हमारी पिक्चर पहले की तरह नॉर्मल ही दिखे, तो रीकलर पे ही जाओ, आपको यहाँ स्टार्टिंग में ऑप्शन मिलेगा नो रीकलर, इस पर क्लिक कर दो, आपकी पिक्चर पहले की तरह अप्लाई हो जाएगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ से कि आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई डाउनलोडेड पिक्चर इंसर्ट तो कर लेते हो लेकिन वो कई बार पिक्चर ओपन नहीं हो पाती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसका स्पेस ज़्यादा होता है, साइज़ ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं उसका साइज़ कम कर देते हैं, तो ईजिली पिक्चर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। तो ऐसे ही अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन कम करना है किसी भी पिक्चर का, यानी उस पिक्चर को कंप्रेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे? तो बेसिकली हम तीन तरह की कंप्रेसिंग यूज़ करते हैं पीसी में। फर्स्ट आती है स्क्रीनिंग का, सेकंड प्रिंटिंग, थर्ड आते हैं ईमेल। तो जब आपको स्क्रीनिंग पे देखना है तो आप कौन से रेजोल्यूशन का यूज़ करोगे, प्रिंटिंग के टाइम पे यूज़ करना है तो आपको कौन से रेजोल्यूशन का यूज़ करना है, और जब आप वही फाइल किसी को शेयर कर रहे हो ईमेल के थ्रू तब आप कौन से स्क्रीनिंग का यूज़ करोगे, यानी कौन से कंप्रेसिंग का यूज़ करोगे। तो उसके लिए हम जाते हैं कंप्रेस पिक्चर पे, यहाँ से क्लिक किया मैंने अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर ओनली, ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे होगे स्टार्टिंग में ऑप्शन मिल रहा है प्रिंट 220 PPI, सेकंड है स्क्रीन 150 PPI, थर्ड है ईमेल 96 PPI। तो अगर आपको किसी भी फाइल को प्रिंटिंग के टाइम पे शो करवाना है ताकि उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी यानी ग्राफिक्स में अच्छे लगे, तो आप क्लिक करोगे 220 PPI पे। लेकिन जब आपको वही पिक्चर स्क्रीन पे देखने यानी प्रोजेक्टर पे देखने या वेब पेजेस के थ्रू देखने तब आप 150 PPI पे क्लिक करोगे। अगर आप वही फाइल या वही पिक्चर किसी को शेयर कर रहे हो या ईमेल कर रहे हो तब आप यूज़ करोगे 96 PPI। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो होता है आपका स्क्रीनिंग का, क्योंकि हम MS वर्ड के अंदर बेसिकली जो पिक्चर होती है वो हम उसके ऊपर वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं या फिर हम उसको प्रोजेक्टर के थ्रू ही ज़्यादा ओपन करवाते हैं, तो हम क्लिक करते हैं स्क्रीन 150 PPI के ऊपर। तो यहाँ से PPI का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, क्योंकि जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो एक एक इंच के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। कर सकते हो, यहाँ से इसको भी ओके किया। तो इसकी जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसके ऊपर अफेक्ट हुआ है, ना कि आपको यहाँ पे विजुअली अप्लाई होता हुआ दिखेगा, तो इसके इंटरनली वो कंप्रेसिंग का काम हो जाता है। अब बात करते हैं कि मुझे पिक्चर का साइज़ यही चाहिए लेकिन इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो आप जाओगे चेंज पिक्चर ऑप्शन पे, चेंज पिक्चर के अंदर आप यहाँ से वो पिक्चर सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए, हाइड्रेंजियस की क्लिक किया मैंने, देन आप इंसर्ट पे क्लिक करो, आपके पास वही पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी उसी शेप के अंदर और उसी शेप के साइज़ के अंदर। फिर से गए चेंज पिक्चर, कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, क्लिक किया इंसर्ट, पिक्चर इंसर्ट हो गई है। फिर से कोई दूसरी पिक्चर चाहिए, चेंज पिक्चर, यहाँ से मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, देन आप कर दो इंसर्ट, तो पिक्चर वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, कर लोगे। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा रीसेट पिक्चर के नाम से। तो रीसेट पिक्चर का काम क्या होता है, सपोज आपने क्या कर लिया किसी पिक्चर के ऊपर, अब मान लो मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई हुई है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया हुआ है, रीकलर दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ एक बार 40%, यहाँ से कॉन्ट्रास्ट भी 40%, यहाँ से रीकलर कर दिया मैंने रेड। तो कंडीशन ये देनी है कि मैंने अभी जितनी भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग करी है इस पिक्चर के ऊपर वो सारी के सारी हटानी है और एक नॉर्मल पिक्चर रखनी है जैसी वो पहले थी। तो हम क्या करें, पिक्चर को सिलेक्ट करो,
रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। तो जो पिक्चर का जो एक्चुअल साइज़ था वो था 100x100 का, तो आपकी पिक्चर क्या हो गई है, पहले की तरह अप्लाई हो गई है। कर लोगे यहाँ तक? मुझे इस पिक्चर को वापस साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, लेकिन इसके पिक्सल ना फटे। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंट्रोल बटन को प्रेस रखो, कर्सर को कॉर्नर पॉइंट पे लेके गए, अब इन दोनों एरोज़ को आप ड्रैग करोगे कुछ इस तरीके से। कर लोगे यहाँ तक? अब आपके पास ये पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर थोड़े से स्टाइल अप्लाई करने हैं, यानी अफेक्ट देने हैं, तो वो हम कैसे देंगे? तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल्स का, तो आप सबसे पहले इन स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करते जाओ, वही स्टाइल उस पिक्चर के ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई होते जाएंगे कुछ इस तरीके से। कर लोगे? सिंपल, आपको उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करना और कुछ नहीं करना, वही फॉर्मेटिंग वहाँ पर अप्लाई होती जाएगी। अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि अब आपके पास ये जो पिक्चर की शेप है वो रेक्टेंगल में आ रही है, मुझे इस पिक्चर को ट्रायंगल में करना है, ओवल में करना है, या फिर कोई भी दूसरी शेप के अंदर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँ? सिर्फ पिक्चर की शेप चेंज होनी चाहिए, ना कि उसकी पिक्चर चेंज हो जाए। तो पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर शेप के नाम से, क्लिक करो, यहाँ से वो शेप को सिलेक्ट कर लो, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली उसी शेप के अंदर चेंज होती जाएगी कुछ इस तरीके से। कर सकते हैं ऑप्शन फिर से, पिक्चर पहले जैसी करनी है तो आप यहाँ से रेक्टेंगल पे क्लिक करो, आपकी पिक्चर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अब कंडीशन ये देनी है कि मुझे इस पिक्चर के बॉर्डर पे काम करना है, यानी ये जो बॉर्डर आ रहा है आपके पास, इसके ऊपर अफेक्ट देने हैं। तो पिक्चर बॉर्डर पे गए, पहले मैं यहाँ से एक बार बॉर्डर को इंक्रीज़ कर लेती हूँ, वेट पे जाके इसका वेट बढ़ा लेते हैं, यहाँ से वेट बढ़ गया। अब इसके ऊपर अफेक्ट देना है, यानी इस वेट का जब आपको कलर चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? पिक्चर बॉर्डर, यहाँ से आप वो कलर सिलेक्ट करते जाओ, जो भी आपको चाहिए वही कलर वहाँ पर उस पिक्चर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। कर लोगे भाई? कंडीशन ये देनी है कि अगर मुझे यहाँ पे ये आउटलाइन चाहिए ही नहीं तो मैं क्या करूँ? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा नो आउटलाइन का, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ से वो आउटलाइन क्या हो जाएगी, पिक्चर पे से हाइड हो जाएगी। तो हमने अब यहाँ से ये आउटलाइन ले तो आए हैं, मुझे चाहिए भी, लेकिन कंडीशन अब ये देनी है कि ये जो आउटलाइन आ रही है ये बिल्कुल सीधी स्लीक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मैं चाहती हूँ डॉटेड लाइन आनी चाहिए, डैश में लाइन आनी चाहिए, तो मैं कैसे लेके आऊँ? तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा डैशेस के नाम से, क्लिक किया, डॉटेड चाहिए डॉटेड पे क्लिक करो, डैश में चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से चाहिए, तो सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते जाओ, वही फॉर्मेटिंग लाइन का अप्लाई होता जाएगा। कर सकते हो? फिर से पहले की तरह करना है तो इस सिंपल लाइन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं पिक्चर इफेक्ट्स की। पिक्चर इफेक्ट का काम क्या होता है? जब आपको इस पिक्चर के ऊपर थोड़े से इफेक्ट देने की, थोड़े से रियलिस्टिक लगे, तो मैं सबसे पहले तो इस पिक्चर को एक बार नॉर्मल कर लेती हूँ। पिक्चर बॉर्डर पे जाके नो आउटलाइन, पिक्चर इफेक्ट पे जाके इसको इफेक्ट देते हैं। प्रीसेट पे गए, प्रीसेट के अंदर आपके पास ये पहले से ही कुछ सेट बने हुए हैं, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करते जाना है कुछ इस तरीके से। तो वही फॉर्मेटिंग उसके ऊपर क्या होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। कर लोगे भाई? फिर से पहले जैसा करना है तो नो प्रीसेट के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी पिक्चर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। कंडीशन अब ये देनी है कि पिक्चर तो हमें चाहिए, लेकिन उस पिक्चर के शेडो चाहिए, या तो लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए या टॉप में चाहिए, तो कैसे लेके आए? पिक्चर इफेक्ट पे गए, यहाँ से जाओगे आप शेडो पे, शेडो के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ से ये राइट का कुछ इस तरीके से। आप राइट में, सेंटर बॉटम पे, या फिर आपको लेफ्ट साइड में चाहिए, तब कुछ इस तरीके से शेडो दोगे। क्लिक किया मैंने, यहाँ देख रहे होगे आप पिक्चर के कॉर्नर पॉइंट पे एक शेडो बन रहा है, इसको मैं जूम करती हूँ, यहाँ देखो कुछ इस तरीके से आ रही है इसके कॉर्नर पॉइंट पे शेडो। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, शेडो को अप्लाई कर सकते हो। फिर से जाते हैं पिक्चर इफेक्ट्स, शेडो पे गए, यहाँ से अगर मेरे को कुछ इस तरीके से चाहिए, इसके लेफ्ट साइड में ऑफसेट में ऊपर चाहिए, टॉप में
या फिर राइट में चाहिए, तो आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करते जाओ, उसी तरीके से फॉर्मेटिंग आती जाएगी। मैं चाहती हूँ शेडो बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए, पिक्चर के अंदर दिखनी चाहिए, तो आप इनर के ऊपर क्लिक करोगे तो इस पिक्चर के अंदर आपको क्या मिलती जाएगी, शेडो बनती जाएगी। कर सकते हो ऑप्शन कुछ इस तरीके से। तो इन ऑप्शंस का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको वही पिक्चर थोड़े से रियलिस्टिक मोड में दिखानी है। फिर से पहले जैसा करना है नो शेडो के ऊपर आप पिक्चर पे क्लिक कर दोगे तो आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी। मैं इस पिक्चर के साइज़ को थोड़ा कम कर देती हूँ, ये एज अ नॉर्मल पिक्चर हो गई है। अब आपको क्या करना है, इस पिक्चर के ऊपर रिफ्लेक्शन देनी है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, वही पिक्चर आ जाती है ना थोड़ी नीचे, तो पिक्चर इफेक्ट रिफ्लेक्शन, यहाँ से जाके आप रिफ्लेक्शन दोगे तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करता रहेगा उसी पिक्चर को, कुछ उस तरीके से। अब इस पिक्चर में और रिफ्लेक्शन में दोनों में सेम ही आ रहा है, मैं चाहती हूँ बीच में स्पेस भी चाहिए, तो आप पिक्चर इफेक्ट के अंदर रिफ्लेक्शन पे ही जाके यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक करोगे तो उसके बीच में क्या आता जाएगा, आपके पास रिफ्लेक्शन शो होता जाएगा। ऐसे इस नीचे वाले पॉइंट पे करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, यानी स्पेस ज़्यादा आएगा दोनों के बीच में। कर सकते हो भी कुछ इस तरीके से। इस पिक्चर को भी पहले की तरह करना है, यानी विदाउट रिफ्लेक्शन देखना है, तो आप नो रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक कर दो, कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि अब आपकी ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के आउटसाइड में एक कलर आना चाहिए, यानी ग्लो कलर दिखे, तो पिक्चर इफेक्ट ग्लो पे गए, यहाँ से जाके वो मैंने कलर चूज़ कर लिया जो भी आपको चाहिए, तो वही कलर क्या होता जाएगा उसके बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। कर सकते हो यहाँ तक। फिर बात आती है यहाँ से, अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट है, यानी ये जो एजेस है, मैं चाहती हूँ ये दिखे ही ना, तो क्या करेंगे, पिक्चर इफेक्ट सॉफ्ट एजेस, यहाँ से वन पॉइंट पे क्लिक किया तो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो गया, 2.5 पे कुछ इस तरीके से, 10 पॉइंट्स पे, 25 पॉइंट्स पे, 50 पॉइंट्स पे, कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसके एजेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। कर सकते हैं यहाँ तक। नो सॉफ्ट एजेस पे क्लिक करोगे तो आपकी पिक्चर क्या रहेगी, एग्जैक्ट रहेगी सॉलिड पॉइंट में। कंडीशन अब ये देनी है कि मुझे इसको शेडो भी देनी है और इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक मोड भी देना है, तो आप पिक्चर इफेक्ट पे गए, रिवील पे गए, यहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, उस पिक्चर के ऊपर इफेक्ट दोगे कुछ इस तरीके से, तो वो मोड थोड़ा सा 3D में भी लगेगा और उसके ऊपर वो शेडो भी आती रहेगी कुछ इस तरीके से। कर लोगे भाई यहाँ तक। पिक्चर को 3D के अंदर रोटेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, 3D रोटेशन पे जाएंगे, इसके बाद में आप यहाँ से वो 3D मोड सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर क्या होती जाएगी, 3D के अंदर रोटेट होती जाएगी। सिंपली आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वैसे ही आपको क्या दिखेगा, स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन में मिलेगा। कर लोगे भाई यहाँ तक। फिर से इसको भी नॉर्मल रखना है तो नो रोटेशन के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी पिक्चर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। अब कंडीशन ये देनी है कि ये जो पिक्चर है वो अभी हमारी कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, मुझे ये सेंटर में चाहिए या बॉटम में चाहिए, तो कैसे लेके जाएं। अब आप बोलोगे कि मैडम इसके ऊपर होल्ड रखो इसको, देन आप इसको ड्रैग करो, तो मैं इसको कुछ इसी तरीके से कर रही हूँ लेकिन ये पिक्चर जा ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूँ, सिलेक्ट किया पोजीशन पे जाके एक बार इसकी कोई भी आप पोजीशन दे दो, क्लिक किया मैंने, अब आप इस पिक्चर को उठा के कहीं पर भी ले जाओ इजीली, तो पिक्चर आपकी कहीं पर भी मूव करेगी कुछ इस तरीके से। कर लोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, अलाइन, ग्रुप रोटेट। ये जो पांचों ऑप्शन है वो हम करेंगे शेप्स के अंदर, उससे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट रैपिंग की। तो टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, जब आपको पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट को भी मूव करवाना होता है तब हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट रैपिंग का। तो टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड लगाते हैं सबसे पहले डाटा लेके आने के लिए, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंटर। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ ताकि हमें इजीली दिखे, ये आपके पास डेटा है। अब हमें क्या करना है, इस पिक्चर को मूव करवाना है, क्लिक किया मैंने इस पिक्चर पे, फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट रैपिंग पे गए, इन लाइन डी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पिक्चर ऊपर जाएगी, स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो ये स्क्वायर फॉर्मेट में हो जाएगी कुछ इस तरीके से आपकी पिक्चर,
टेक्स्ट रैपिंग पे गए, टाइट पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पिक्चर में और टेक्स्ट में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको कवर कर देगा। कर सकते हैं यहाँ तक? जैसे अभी ये स्क्वेयर है, अब इस पिक्चर में और नीचे वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा स्पेस है ना, जैसे ही मैंने टाइट के ऊपर क्लिक किया वहाँ से वो एक्स्ट्रा स्पेस भी क्या हो गया उसका, ख़त्म हो गया। कर सकते हो? फिर टेक्स्ट रैपिंग के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिहाइंड टेक्स्ट का। बिहाइंड टेक्स्ट का काम क्या होता है, कंडीशन ये देने कि मैं इस पिक्चर को जब मूव करूँ ना तो इसके पीछे डाटा जो आए वो भी मेरे को पिक्चर के थ्रू दिखना चाहिए। यानी अब मैं जब पिक्चर को मूव करती हूँ तो वहाँ से वो डाटा हट जाता है ना, मैं चाहती हूँ डाटा वहीं पे ही रहे लेकिन मुझे वो डाटा दिखना चाहिए पिक्चर के थ्रू। तो आप क्या करोगे, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग के अंदर बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो, आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से क्या होगी, टेक्स्ट के ऊपर शो करेगी। कर लोगे? कुछ इस तरीके से। कंडीशन ये देनी है कि मुझे अब पिक्चर को देखना नहीं है किसी की भी हेल्प से, लेकिन इस पिक्चर को क्या करना है हमने अब इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आना है। तो मैं क्या करूँगी, टेक्स्ट रैपिंग पे गए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर क्या होगी, कुछ टेक्स्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी। कर लोगे भाई? फिर टेक्स्ट रैपिंग के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है टॉप एंड बॉटम का। तो टॉप और बॉटम का काम क्या होता है, जब आपको इस पिक्चर को या तो डाटा के बिल्कुल टॉप में रखना है या फिर डाटा के बिल्कुल बॉटम में रखना है, तब हम यूज़ करते हैं टॉप एंड बॉटम का। क्लिक किया मैंने तो पिक्चर ऑटोमेटिकली क्या चली जाएगी, उस मार्जिन एरिया के अकॉर्डिंग पिक्चर ऑटोमेटिकली सेट कर लेगा। अब टेक्स्ट रैपिंग के अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं थ्रो की। थ्रो में और स्क्वेयर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, या तो तुम थ्रो पे क्लिक करो या फिर तुम स्क्वेयर पे क्लिक करो, दोनों के अंदर आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन बात आती है कि जब आपके पास स्क्वेयर का ऑप्शन है तो फिर थ्रो का क्या काम है, तो हम वो इजीली काम स्क्वेयर से भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन इसके अंदर अब एक नई बात आती है कि यहाँ एक नीचे ऑप्शन मिल रहा होगा तुम्हें एडिट रैप पॉइंट्स के नाम से, ये ऑप्शन अभी हाइड है। तो बात आती है कि अगर मेरे को इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना हो तो वो मैं कैसे करूं। तो अब जैसे ही यहाँ से थ्रो पे क्लिक करोगे, क्लिक कर दिया, अब टेक्स्ट रैपिंग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडिट रैप पॉइंट्स का, ये एक्टिवेट हो गया। अब इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपने जैसे ही उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको एक रेड लाइन दिख रही होगी उसके कॉर्नर पॉइंट पे। तो यहाँ पे अब आप जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर कर्सर को लेके जाओगे, दो एरोज आती है, इसको ड्रैग करो, उसी एंगल से क्या होता जाएगा, वहाँ से वो टेक्स्ट नोट होता जाएगा, यानी वहाँ से साइड होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। कर लोगे भाई? फिर से इसको पहले की तरह करना है तो आप यहाँ से इन लाइन विद टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हो, आपका डाटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं क्रॉप की। तो क्रॉप का काम क्या होता है, जब आपको किसी भी पिक्चर को सिर्फ उतना ही देखना है जितना आप देखना चाहते हो, तब हम यूज़ करते हैं क्रॉपिंग का। तो अब मैं बात करती हूँ कि मुझे कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं लेनी है, मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना, उस स्क्रीनशॉट को क्रॉप करना है, तो वो मैं कैसे करूँ। पहले इस डाटा को डिलीट करेंगे कंट्रोल प्लस ए और डिलीट की हेल्प से। स्क्रीनशॉट लेना आपको इस विंडो का जो आपके पास डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्क्रीन अभी शो हो रही है, तो आप बटन प्रेस करोगे FN के साथ में प्रिंट स्क्रीन। तो अगर आपके कीबोर्ड के अंदर FN बटन नहीं है तो आप बटन क्या प्रेस करो। तो अगर आपके कीबोर्ड में आपको FN बटन दिख रहा है तब तो वो बटन प्रेस करेंगे FN प्लस में प्रिंट स्क्रीन। अगर कीबोर्ड में FN बटन नहीं है तो आप नॉर्मल बटन प्रेस करो प्रिंट स्क्रीन। मैंने प्रेस किया FN के साथ में प्रिंट स्क्रीन, हो गया प्रेस। अब यहाँ पे मेरे को कोई स्क्रीनशॉट तो नहीं दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट को शो करवाने के लिए आप क्या बटन प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस वी करोगे, तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो स्क्रीनशॉट शो हो जाएगा। आ गया आपके पास स्क्रीनशॉट। अब मुझे इस स्क्रीनशॉट के अंदर सिर्फ यहाँ से इतना ही, सिर्फ ये हार्ट्रोन का लोगो लोगो देखना है, बाकी की सारी पिक्चर कट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इस पिक्चर के ऊपर सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पे गए, यहाँ से आप क्लिक करोगे क्रॉप पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ब्लैक पॉइंट दिख रहे हैं, आप इसको ड्रैग करते जाओ, उसी एंगल से आपको पिक्चर क्रॉप होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। कर लोगे यहाँ तक? तो ये आपकी पिक्चर क्या हो गई है, कुछ इस तरीके से क्रॉप हो गई है। तो ये हुआ हमारा पिक्चर की टैब।
अब हम बात करते हैं इंसर्ट के अंदर क्लिप आर्ट का। तो क्लिप आर्ट का काम क्या होता है, जब आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी एनिमेटेड पिक्चर इंसर्ट करनी है, एनिमेटेड पिक्चर कौन सी हो सकती है, आपकी कार्टूनिस्ट मूवीज होती है उसी तरीके की, जब आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है किसी भी पर्टिकुलर डेटा से रिलेटेड, जैसे आपको कंप्यूटर की फ़ोटो चाहिए या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ़ोटो चाहिए, तो आप इस इसके अंदर वो ऑप्शन लिखो, देन आप इजीली इसके अंदर वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा मेजर बेनिफिट होता है क्लिप आर्ट का, जब आपको कोई भी ऑनलाइन मोड के थ्रू कोई पिक्चर इंसर्ट करनी होती है, जैसे अब हम ऑनलाइन पिक्चर्स जो देखते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट करवानी है, तब भी हम क्लिप आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो बात आती है क्लिप आर्ट का यूज़ हम करेंगे कैसे, तो आप क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक कर दो, सिंपल क्लिक किया हमने। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ एक बॉक्स ओपन होके आया है क्लिप आर्ट का। इस क्लिप आर्ट के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च फॉर का। तो सपोज मुझे अगर कंप्यूटर से रिलेटेड फाइल देखनी है, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे सर्च फॉर में, कंप्यूटर COMPUTER। अब आप गो पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी पिक्चर्स शो हो जाएंगी, कुछ इस तरीके से देख सकते हो। सिंपल उसके ऊपर क्लिक करना, वो पिक्चर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती जाएगी। क्लिक किया पिक्चर आ गई, क्लिक किया पिक्चर आ गई, क्लिक किया ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है, इस पे क्लिक करोगे तो ये पिक्चर आएगी। कंडीशन ये देनी है कि अगर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ़ोटो देखनी है यानी पिक्चर देखनी है, तो आप यहाँ पे टाइप करो स्पोर्ट्स, बैक स्पेस किया मैंने यहाँ पे, यहाँ लिखा मैंने स्पोर्ट्स और यहाँ से क्लिक कर दिया गो पे, तो आपके पास ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड फ़ोटोज़ आ जाएंगे, उस पर क्लिक करना बस, कुछ इस तरीके से कर लोगे भी यहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी एनिमेटेड पिक्चर क्लिप आर्ट के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। मैंने इसको कंट्रोल ए किया, देन इसको कर दिया डिलीट। इंसर्ट पे ही जाते हैं, अब हम जाते हैं यहाँ से शेप्स पे, शेप्स पे मैंने क्लिक किया। अब आपको कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, सपोज मुझे अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल चाहिए और उस रेक्टेंगल के अंदर भी काम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो आप जाओगे यहाँ से शेप्स पे, शेप्स के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स का, दिख रहा है सभी को, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करो, आपका कर्सर चेंज हो गया प्लस पॉइंट में, अब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ होगा। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, कुछ भी काम लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, मैंने इसमें लिखा वेलकम। अब आपने ये वेलकम तो लिख दिया, ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जैसे ही शेप को ड्रॉ किया, आपके पास एक नई टैब ओपन हो के आई फॉर्मेट की टैब, दिख रहा है सभी को। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये जो वेलकम लिखा हुआ है वो हमने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में, यानी लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में लिखा हुआ है, मुझे वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए, यानी इसको टॉप टू बॉटम के फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, सिलेक्ट करो, टेक्स्ट डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे आपका डाटा ऑटोमेटिकली स्विच करता रहेगा कुछ इस तरीके से, कर लोगे। अब मान लो मैंने इसको एक बार डिलीट किया, यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे जाके हमने यहाँ से एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हो गया टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ। अब मैं इसके अंदर कमांड लगाती हूँ रैंडम की, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद देन एंटर। अब आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रैंडम की कमांड लगाते हैं तो हमारे पास टोटल 3 पैराग्राफ आते हैं, यहाँ पे 3 ही पैराग्राफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ डाटा कट भी रहा है इसमें, यानी ऑलवेज के बाद भी आगे डेटा है, तो मुझे ये सारा का सारा डेटा देखना है, तो मैं क्या करूँ, तो शेप का साइज़ बढ़ाएंगे, कर्सर को लेके गए, अब ये दो एरोज आ गया, अब इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ ये आ रहा है डाटा, लास्ट की 2 लाइन आ रही है, लेकिन मैं कंडीशन ये देती हूँ कि मुझे शेप तो इतनी ही रखनी है जितनी है इसकी, लेकिन इसके बाद जितना भी डेटा है वो भी दिखना चाहिए। अब दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है कि शेप का साइज़ भी इतना ही रहे और डाटा भी दिखे, तो हम एक काम कर सकते हैं इसके अंदर कि जितना डेटा आपका हाइड हो रहा है वो किसी दूसरी शेप में दिखा दें। तो गैलरी के बाद मैंने कर्सर रखा, इसके बाद आप क्या करोगे, क्रिएट लिंक के ऊपर कर दो क्लिक, कर दिया मैंने क्लिक। अब यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ये आ गया, अब आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो जितना भी डेटा उस शेप के अंदर हाइड हो रहा था वो सारा का सारा आपका कहाँ पे आ गया, दूसरी शेप के अंदर शो हो रहा है। मैं चाहती हूँ फिर से पहला जैसा हो जाए, तो क्या करेंगे, ब्रेक लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे,
मैं वापस करती हूँ यहाँ से, तो आपका ये डेटा फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। क्या करेंगे, कर्सर रखेंगे जहाँ से भी डेटा आपको नेक्स्ट शेप में दिखाना है, कर्सर रखा, क्रिएट लिंक, एक पॉइंट आ गया, अब आप इसको क्लिक करो किसी भी दूसरी शेप पे, वो सारा का सारा डेटा वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर से मुझे इसको पहले की तरह लेके जाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करोगे ब्रेक लिंक पे, वो डेटा आपका पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक? मैं चाहती हूँ कि अब आपके पास ये एक शेप है, इस शेप को आपको कलर देना है, तो कलर देने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल ऑप्शन है यहाँ से, यहाँ से आप वो कलर दे सकते हो जो भी आपको चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए उस शेप का, कुछ इस तरीके से। कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन क्या आ रहा है, ग्रेडियंट भी आ रहे हैं, यानी इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट भी ऐड होके आ रहा है। मैं चाहती हूँ बिल्कुल सॉलिड कलर आना चाहिए, तो क्या करेंगे, शेप के ऊपर कर्सर रखा, शेप फिल पे गए, यहाँ से जाके आप वो कलर चूज़ करोगे जो भी आपको अप्लाई करना है, देन वही सॉलिड कलर क्या हो जाएगा, उस शेप के अंदर फिल हो जाएगा। कर लोगे यहाँ तक? अब मैं कंडीशन ये देती हूँ कि इस शेप के अंदर कुछ इस तरीके से पिक्चर इंसर्ट करवानी है, कि अगर मैं इस शेप के साइज़ को इंक्रीज़ करूँ, पिक्चर का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए, अगर मैं इस पिक्चर का साइज़ डिक्रीज़ करूँ तो शेप का साइज़ भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाए, दोनों कमांड एक साथ कैसे पॉसिबल है? लेकिन एक बार हम इसको कमांड को अप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर आप इस शेप के अंदर उस पिक्चर को ही फिल करवा दो, तो सिलेक्ट किया, शेप फिल, पिक्चर पे गए, यहाँ से उस पिक्चर को सिलेक्ट करो जो भी आपको फिल करवानी है, देन इंसर्ट करो, आगे वो पिक्चर। अब आप अगर इसके साइज़ को, यानी पिक्चर के साइज़ को डिक्रीज़ करोगे, शेप का साइज़ भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। शेप का साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, पिक्चर का भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है ना। वापस जाते हैं शेप फिल पे। अगर आपको कोई भी, मान लो अगर आपके पास कोई पिक्चर नहीं है लेकिन पिक्चर का फॉर्मेट ही चाहिए, तो आप क्लिक करोगे टेक्सचर पे, यहाँ से वो टेक्सचर आप चूज़ कर लो जो भी आपको चाहिए, तो वही क्या होता जाएगा, उसके अंदर ऐड होता जाएगा, कुछ इस तरीके से। कर लोगे भाई? कोई पैटर्न फिल करवाना है, यानी जिगजैग की लाइन चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो आप पैटर्न पे क्लिक करो, यहाँ से आप वो पैटर्न चूज़ कर लो जो भी आपको अप्लाई करना है, ये चाहिए मुझे। लेकिन इसके अंदर अब कलर ब्लैक और वाइट आ रहा है, कलर चेंज करना है। फोरग्राउंड इसका ग्रीन कर दिया मैंने, और यहाँ से इसको कर दिया रेड, कुछ इस तरीके से। अब इसको करो ओके, तो वही पैटर्न उसके अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। कर लोगे? इसके अंदर वापस से मैंने कोई कलर फिल करवा दिया। अब आपको इसकी ये आउटलाइन दिख रही होगी, ब्लैक कलर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर इफेक्ट देना है, तो शेप आउटलाइन, यहाँ से पहले मैं इसका वेट बढ़ा लेती हूँ ताकि हम इजीली इस पर काम कर सकें, क्लिक किया। अब इस आउटलाइन के ऊपर इफेक्ट देना है, शेप आउटलाइन, कलर दे सकते हैं कोई भी आउटलाइन का। मैं चाहती हूँ आउटलाइन दिखनी नहीं चाहिए, तो नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन वहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आपको इस लाइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट देना है, इन डॉटेड लाइन चाहिए, तो आप डैशेस पे जाओगे, यहाँ से आप इसका क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। कर लोगे? कंडीशन ये देती हूँ, मेरे को लाइन तो स्ट्रेट ही चाहिए, लेकिन इस लाइन के अंदर वही पैटर्न फिल करवाना है जो अभी अभी हमने इस शेप के अंदर फिल करवाया था। तो शेप आउटलाइन, पैटर्न पे गए, यहाँ से वो पैटर्न चूज़ करो, कलर चूज़ करो, और यहाँ से उसका बैकग्राउंड, देन ओके। तो वही पैटर्न उस आउटलाइन के अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मुझे इस शेप को चेंज करना है, रेक्टेंगल के बजाय सर्कल चाहिए या स्क्वायर चाहिए, पेंटागन चाहिए, उस पर क्लिक करते जाओ, वही शेप वहाँ पे अप्लाई होती जाएगी, कुछ इस तरीके से। कर लोगे भी? फिर से पहले की तरह करना है, तो मैंने इसके ऊपर कर दिया क्लिक। अब हम बात करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक की, इन दोनों ऑप्शंस की। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कंट्रोल ए और डिलीट कर देती हूँ। इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, ये शेप ली हमने, इसके अंदर पिक्चर फिल करवानी है, तो शेप फिल, पिक्चर, यहाँ से मैंने वो पिक्चर ली, इंसर्ट किया, वहाँ पे वो पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब आपको एज इट इज़ पिक्चर एक और लेके आनी है इसके ऊपर, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करेंगे, कर्सर रखो, कंट्रोल प्लस में वी कर दो,
आ गई उसकी पिक्चर, फिर कंट्रोल प्लस वी किया, फिर से उसके ऊपर एक और पिक्चर आ गई है। अब आप इसकी पिक्चर को चेंज करोगे, सिलेक्ट किया, फॉर्मेट, शेप फिल, सॉरी, यहाँ से पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट। ऐसे ही मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, शेप फिल पे गए, पिक्चर पे गए, यहाँ से क्लिक किया मैंने इस पे, देन इंसर्ट। आगे एक के पिक्चर, एक के ऊपर दूसरी पिक्चर, दूसरे के ऊपर तीसरी पिक्चर। अब बात करने की, जो तीसरे नंबर की जो पिक्चर है ये मेरे को सबसे ऊपर चाहिए, और जो सबसे ऊपर जो पिक्चर है वो मेरे को सबसे पीछे भेजनी है। तो जब आपको सबसे पीछे वाली पिक्चर जो है वो सबसे ऊपर लेके आनी है, तब हम यूज़ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन का। लेकिन जब आपको किसी भी एक पिक्चर को सबसे पीछे भेजना है, तब हम यूज़ करेंगे सेंड टू बैक का। तो मुझे इस पिक्चर को सबसे ऊपर लेके आना है, क्लिक किया, ब्रिंग टू फ्रंट के अंदर जाके क्लिक करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट पे, वो पिक्चर आ गई है सबसे ऊपर। ऐसे ही अब इस पिक्चर को सबसे पीछे भेजना है, तो हम किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक पे, क्लिक किया, सेंड टू बैक, वो पिक्चर पीछे चली जाएगी। अब बात आती है कि अगर हमें एक पिक्चर को सबसे ऊपर या सबसे पीछे भेजना है, तब तो इन दोनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कंडीशन ये देनी है कि पिक्चर ना ही तो सबसे ऊपर आनी चाहिए, ना ही सबसे पीछे आनी चाहिए, पिक्चर हमारी एक एक पॉइंट ऊपर या एक एक पॉइंट नीचे आनी चाहिए, तो मैं क्या करूँ। यानी ये जो आपकी सबसे लास्ट में जो पिक्चर है वो सेकंड नंबर पे चाहिए, तो ब्रिंग टू फ्रंट के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड का, क्लिक किया, वो दूसरे नंबर पे आ गई पिक्चर, फिर से इसको एक नंबर और ऊपर लेके आना है, ब्रिंग टू फ्रंट पे जाके क्लिक करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड पे। ऐसे अब इस पिक्चर को एक नंबर पीछे लेके जाना है, तो यहाँ से सेंड टू बैक के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड बैकवर्ड के नाम से, क्लिक किया, एक नंबर पीछे चली गया, फिर से एक नंबर पीछे लेके जानी है सेंड टू बैक के अंदर, सेंड बैकवर्ड के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को बैक और इंक्रीज या ऊपर या नीचे लेके जा सकते हैं। फिर इसके अंदर वही ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट रैपिंग के अंदर यहाँ से दोनों ऑप्शन किए थे, कर सकते हो। अभी आगे के तीनों ऑप्शन करके देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आपने देखा होगा जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो कितनी वेल एक्सप्लेन्ड होती है, यानी वेल असेंबल्ड होती है, बिल्कुल भी साइज़ ऊपर नीचे कहीं से भी इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं हो रहा होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। वैसे ही हमें बनानी है यहाँ पे। हालांकि वो बनती पिक्चर मैनेजर के अंदर है, एक लॉजिकल जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर, लेकिन एमएस वर्ड के अंदर हम उसको कैसे असेंबल करें। इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे, शेप ली मैंने, इसके अंदर हम पिक्चर इंसर्ट करते, शेप फिल, पिक्चर, पिक्चर सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया। अब इसी पिक्चर को और भी लेके आना है, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो हम क्या करें, कंट्रोल बटन प्रेस रखो, अब इसको आप ड्रैग करो साइड में, ये पिक्चर आपके पास क्रिएट होती जाएंगी। आगे आपके पास चार पिक्चर। अब ये चारों पिक्चर आ तो गई हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे हैं, मैं चाहती हूँ ऊपर से बराबर हों बिल्कुल, तो वो कैसे करेंगे। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन प्रेस किया, दूसरी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन अभी भी प्रेस है, तीसरी को सिलेक्ट किया, कंट्रोल बटन अभी भी प्रेस है, मैंने फोर्थ नंबर वाली पिक्चर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अलाइन पे क्लिक किया, अलाइन टॉप करेंगे, ऊपर से बराबर हो गया, लेकिन अभी ऊपर से बराबर तो हो गया, लेकिन इनके बीच में इक्वल स्पेस तो नहीं है, तो हम क्या करें, अलाइन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली के ऊपर क्लिक कर देंगे, हो गया अलाइन। अब हमने इतना काम कर लिया, कंडीशन ये देनी है कि अगर मैं यहाँ से किसी भी एक पिक्चर को भी अगर उठा के नीचे लेके आऊँ तो ये चारों पिक्चर नीचे आए, अगर किसी भी एक पिक्चर को उठा के ऊपर लेके जाऊँ तो ये चारों के चारों पिक्चर ऊपर जाएं, तो वो कैसे होगा। चारों पिक्चर को सिलेक्ट करो, ग्रुप ऑप्शन पे जाके इसको ग्रुप बना दो, ग्रुप बन गई है। अब अगर मैं इसे एक पिक्चर को सिलेक्ट करके नीचे लेके आते हैं तो चारों ही नीचे आएंगी, कुछ इस तरीके से। अब इन ग्रुपिंग पिक्चर का भी मेरे को कॉपी चाहिए, सिलेक्ट किया ग्रुप को, कंट्रोल बटन प्रेस रखा, इसको कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। आगे यहाँ पे अब इन चारों पिक्चर को ग्रुप को मुझे अलाइन करना है, लेकिन लेफ्ट साइड से अलाइन करना है, अभी लेफ्ट साइड से बराबर नहीं है। सिलेक्ट किया इस ग्रुप को, कंट्रोल बटन प्रेस रखा, दूसरा ग्रुप, कंट्रोल बटन प्रेस किया, तीसरा ग्रुप, कंट्रोल बटन प्रेस किया, फोर्थ ग्रुप। अब अलाइन पे जाके आप क्लिक करोगे अलाइन लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड से बराबर हो गया, लेकिन अभी वर्टिकली साइज बराबर नहीं है, तो अलाइन पे जाके आप क्लिक करोगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे,
तो इन सभी के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल साइज बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने पिक्चर असेंबल कर ली है, ठीक है। कमांड मेरी ये है कि आपने देखा होगा पासपोर्ट साइज के बैकग्राउंड में हमेशा वाइट कलर होता है, मैं चाहती हूँ उस बैकग्राउंड कलर वाइट की जगह येलो कलर आ जाए, तो वो मैं क्या कैसे लेके आऊँगी। तो आपके पास एक ट्रिक होती है, आप किसी भी शेप को ड्रॉ करो इसके कॉर्नर पॉइंट से लेके एज पॉइंट तक। अब आप यहाँ पे शेप फिल में जाके वो येलो कलर सिलेक्ट करो, कर लिए ये कलर। अब बात आती है, अब कलर तो आ गया लेकिन पिक्चर तो हमारी गायब हो गई है, तो वो कैसे लेके आएंगे। सेंड टू बैक के अंदर आप क्लिक कर दो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट पे, आपकी पिक्चर वो वापस आ जाएगी। अब आपको ये लाइन भी नहीं दिखनी चाहिए, तो शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन के ऊपर क्लिक कर दो, वहाँ से वो आपकी पिक्चर क्या लगेगी, एग्जैक्ट नॉर्मल लगेगी। कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हार्ट्रोन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।